देख रहे हैं अब तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। मेघालय में कोरोना का कहर जारी, चप्पा चप्पा हो रहा है कोरोना। आज मिले 300 मेघालय में कोरोना का कहर, लेकिन एडवाइजरी जीरो, लोग बिना मास्क की घूम रहे हैं। काजोरा में 33 ग्राम पंचायतों पर चुन जाएंगे चुनाव शाम। कोलाई तहसील में दिन दहाड़े ज्वेलरी के दुकान में लूटी बात। दीपावली से पहले तुम्हारी व्यवसाय को लेकर की और उम्मीदें देखी है। इससे पहले कि हम खबरों के विस्तार की ओर चलें, बीकानेर की बात कर लेते हैं। बीकानेर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जयपुर जोधपुर के बाद में बीकानेर अब तीसरे नंबर पर है, जहां पर आज 13 शतक लगा है। बीकानेर में कोरोना के चलते न केवल एडवाइजरी को लोग अब हल्के में लेने लगे हैं, बल्कि अब लोग इस बात को कहीं कहीं भ्रमित होने में लगे हैं कि किस तरह से वे एडवाइजरी की पालना करें। कुल मिलाकर ये बीकानेर में जहां 2-4 पेशेंट जहां मिलते थे, वहां पर तो उस समय पूरे शहर में लोग दहशत में आ जाते थे, लेकिन अब 300 के करीब मरीज आने लगे हैं, लेकिन लोग बिल्कुल बेफिक्र नजर आते हैं। जब तक सरकारी एडवाइजरी की पालना नहीं होती है, जब तक कोरोना की कोई दवाई नहीं आती है, मास्क ही आपकी दवाई है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज हाथों को करते रहे। अगर ये एडवाइजरी आप पालन करते हैं तो कोरोना की इस महामारी में आप संक्रमित होने से बच सकते हैं। अब तक ने भी लगातार दर्शकों तक इस संदेश को पहुंचाया। एक बार फिर से मैं ज्योति रैना तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि वे अपने चेहरे पर मास्क लगा करके रखें, 2 गज की दूरी रखें, सरकारी एडवाइजरी की पालना करें, अपने हाथों को साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। और अब चलते हैं हम मुख्य खबरों के विस्तार की। बीकानेर में शनिवार को संक्रमितों का आंकड़ा 300 पहुंच चुका है। हालांकि ऑथराइज और अनऑथराइज दो तरह के जो हैं वह आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल शुक्रवार को भी जहां 296 के करीब संक्रमित सामने आए थे, वहीं अनाधिकृत जो आंकड़े हैं वह तकरीबन 400 के करीब बता रहे थे। लेकिन आज स्वास्थ्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी की विभाग की माने और अधिकारी की माने तो आज 300 संक्रमित मरीज बीकानेर में मिले हैं। ये कुल मिलाकर के आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। और इसमें कहीं कहीं बड़ी बात यह भी कि होम आइसोलेशन में जो संक्रमित मरीज हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं हो पा रही। संक्रमित मरीजों का सड़कों के बाहर आना, बाजारों में आना, लोगों के बीच में आना, ये भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। कुल मिलाकर के बीकानेर में कोरोना के मामले अब लोगों में दहशत पैदा करने लगे हैं। जब तक इसकी कोई कठोर पालना नहीं होती है, जब तक प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता है, तब तक ये आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे और मामले भी बढ़ते जाएंगे। कुल मिलाकर के जो छोटी काशी नगरी बीकानेर है, इसमें कोरोना के बढ़ते आंकड़े आम लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच रहे हैं। बीकानेर जिला प्रशासन ने एक अभियान छेड़ रखा है, राज्य सरकार ने भी जन आंदोलन 2 अक्टूबर से छेड़ दिया है। नो मास्क नो एंट्री, लेकिन आखिर बीकानेर में अगर एक नजर दौड़ाएं तो वो नो मास्क नो एंट्री कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। चेहरों से मास्क हटे हुए हैं, एंट्री हर जगह उनकी जारी है। मर्जी आए जिस दुकान में जा रहे हैं, शोरूम में जा रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, ठेले वाले हो, ठेली वाले हो, दुकानदार हो, कहीं पर भी कोई एडवाइजरी की पालना करते हुए नहीं दिख रहा। ये बेपरवाह शहर आखिर कोरोना को कहीं चीन का वुहान शहर न बना दे। हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश छंगाणी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिनमें बीकानेर में बेपरवाह लोगों की कोई कमी नहीं है और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
राजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव संपन्न हुए। चौथे चरण के मतदान में आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा, हालांकि यहां पर भी कोरोना एडवाइजरी की तजिया उठती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ जगहों पर कोरोना एडवाइजरी की पालना करते हुए भी जो वोटर है वो दिखाई दिए। हम आपको दिखाते हैं काजूवाला की 31 ग्राम पंचायतों की कैसे चौथे चरण में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। राजमार्ग 62 की, जहां पर एक ट्रक और ट्रोलर की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों मरने वाले लोग जो है वो हनुमानगढ़ के डबली राठान के बताए जा रहे हैं। संकट काल में ज्वेलरी की दुकानों पर लगातार लूट की वारदातें सामने आ रही है। वो चाहे बीकानेर शहर की बात करें, आसपास के क्षेत्रों के इलाकों की बात करें। आज का मामला कोलाय तहसील से, जहां पर 3 ग्राहक जो है वो बनकर के आए और उन्होंने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान में जो है वो लूट की। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, रिश्ते बनाओ, चाहे मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव। हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com। देखिए बात एक बार फिर आपका स्वागत। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अब बाजार जो है वह उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने को बेताब है। लेकिन कोरोना के संकट काल के बीच में बाजार कितनी गति पड़ेगा और कितनी उसकी उड़ान हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परंपरागत पेशों में जुड़े हुए जो कुम्हारी का काम करने वाले हैं, मिट्टी के दीपक, वो इस उम्मीद में बना रहे हैं कि इस बार उनकी दीपावली अच्छी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के साथ में जो तनाव चल रहा है, उसके चलते कई सारे चाइनीज आइटम जो है वो हिंदुस्तान में नहीं आ रहे,
इसके चलते भी कुम्हारी के इस उद्योग में लगे हुए लोगों की उम्मीदें बनी हैं और उन्हें लगता है कि मिट्टी के बने हुए उनके ये जो दीपक है वे लोग खरीदेंगे। अभी हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में भी दिल्ली के बाबा का ढाबा नाम से उसकी ताकत को लोगों ने पहचाना था। हमने भी इन कुम्हारी के काम में लगे लोगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप देखें इस बार की दीपावली पर आप भी मिट्टी के दिए खरीद करके अपनी दीपावली को परंपरागत तरीके से मनाएं। काम कर रहे इन लोगों से की गुजारा नहीं होता है। कोरोना महामारी हमारे को बहुत तंगी आ गई है। इसमें जो भी हम बर्तन बनाते हैं उसकी आगे सेल नहीं हो पाती है। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वादे बहुत करते हैं पर वादे निभाते नहीं हैं। वादे बहुत करते हैं, निभाते नहीं है। इसलिए हम गरीब गुजारा कैसे पार पड़ता ही नहीं है। ये मिट्टी तो कोलाई से आती है और मिलने में टाइम लगता है। दो महीना लग जाता है। मिट्टी भी पहले बहुत सस्ती आती थी, अब ये लॉकडाउन चक्कर से बहुत महंगी हो गई। पहले 10,000 के कारण से मिट्टी जो आ रही है वो महंगी आने लगी। पहले कितने रुपए में आती थी? पहले 10,000 में आती है, अब सारे डबल हो गए, 20,000 कर दिए। डबल रेट हो गई है। डबल रेट के अनुसार मजदूरी नहीं होती है। कुल कितने आदमी लगे रहते हो? 10-12 आदमी लगे। 10-12 आदमी लगे रहने के बावजूद भी परिवार का खर्च चलाना दुर्लभ नहीं हो रहा है। सर ये कोरोना महामारी से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, क्या करें हम। मतलब लोग घरों से नहीं निकल रहे। पहले बहुत खरीदारी थी, अब खरीदारी नहीं है। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पीबीएम अस्पताल में भी मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक सेमिनार का आयोजन रखा गया, जिनमें पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गुंजन सोनी, रंजन माथुर सहित न्यायाधीश जो है वो पवन अग्रवाल भी पहुंचे, जिनमें खास तौर से जागरूकता की बात है कि किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहना चाहिए। हम दिखाते हैं वो पीवी में आयोजित इस सेमिनार के कुछ संपादित अंश। चला जाता है, लेकिन जब वही डिप्रेशन लंबे समय तक रहे और जीवन सामान्य रूप से प्रभावित होने लगे तब वो मानसिक बीमारी हो जाती है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर साहब से, मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अभी अशिक्षा रहें, इलाज चाहिए की बजाय झाड़ फूक इनके पीछे लगा रहता है व्यक्ति और नॉर्मल इलाज नहीं रहता है, उसकी वजह से उसका रोग धीरे धीरे और बिगड़ता जाता है। तो सबसे पहले तो विश्व मानसिक दिवस पर आज मानसिक अस्पताल में और सभी अधीक्षकों के समक्ष और डालसा के सेक्रेटरी साहब मोहन जी अग्रवाल के द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें भारत का जो अधिनियम बना हुआ है 1987 का स्वास्थ्य मानसिक दिवस और मानसिक अधिनियम और जो वर्तमान में 2017 में इसको मॉडिफाई किया गया, उसके तहत ये रखी गई है, जिसके अंदर एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है कानूनी, पुलिस से व सरकार द्वारा, और किस प्रकार से ये प्रेक्षण गृहों का निर्माण किया गया है, उसमें किस प्रकार से इनकी एंट्री होगी, किस प्रकार की देख रेख, साफ संभाल व चिकित्सा की व्यवस्था की गई, इस संबंध में जानकारी दी। कोरोना के चलते भगवान के मंदिरों में भी श्रद्धालु कम पहुंच रहे हैं, हालांकि अब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से अनलॉक के पीरियड में कई मंदिर जो है वो खुल गए हैं, लेकिन कई मंदिर में सोलह ही अभी बंद रखा है। लेकिन हम अधिक मास की बात करते हैं, जैसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। बीकानेर में चूंकि धार्मिक भक्ति के लोग बहुत है, धार्मिक भाव के लोग बहुत है, शनिवार को हमारे कैमरा प्रतिनिधि राजेश संगानी ने शनि मंदिर में जाकर के वहां के हालचाल जो है वो अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शनि को भी जो है वो भगवान शनि के मंदिर में भी कोरोना के संकट काल में लोगों की आवाजाही और दर्शनों की जो है वह तलब लोगों में कम रही और यही वजह है कि वहां सुनसान सी है।
और चलते चलते डालते नजर आपकी खास खास खबरों पर। कोरोना का कहर जारी, चप्पा चप्पा हो रहा है कोरोना। आज मेरे 300 बीकानेर में कोरोना का कहर, लेकिन एडवाइजरी जीरो के पास, लोग बिना मास्क की घूम रहे हैं। काजोरा में 33 ग्राम पंचायतों पर चुने जाएंगे चुनाव शामिल। कोलाई तहसील में देवदाहरे ज्वेलरी के दुकान में झूठी बात। दीपावली से पहले तुम्हारी व्यवसाय को लेकर के और उम्मीद देखिए मिट्टी बन रहे हैं। बीकानेर के पीडीएम अस्पताल में मानसिक रूप से स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सेमिनार करवा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में गतिविधियों के साथ समय सीट चंदन पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहना, को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो लें राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।